नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार जन्माष्टमी कुछ ही दिनों में आने वाला है। ये त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और कहा जाता है कि जो लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना लेते हैं उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आती। तो क्या आप इस साल जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार मनाने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार कौन सी तारीख को है? क्या रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी के त्यौहार में भी लोगों को कई सारे मतभेद हैं? और क्या आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की सभी विधि जानते हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह लड्डू गोपाल की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं? और क्या हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने भी जन्माष्टमी के बारे में अपने भक्तों को कुछ बताया है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि गुरु जी ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर चुपचाप कौन सी एक चीज उठाकर लाने को अपने भक्तों से कहा है जो आपको धनवान बना सकती है। तो यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी लोगों के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार किसी महोत्सव से कम नहीं होता है। इस दिन हिंदू धर्म के सभी लोग लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और उनका जन्मोत्सव भी मनाते हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव सावन का महीना खत्म होने के बाद भाद्रपद की अष्टमी वाले दिन मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी भाद्रपद की अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह रक्षाबंधन की तिथि के बारे में लोगों के बीच मतभेद थे, उसी तरह जन्माष्टमी की तिथि के बारे में भी लोगों के बीच मतभेद बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जन्माष्टमी का त्यौहार इस बार 6 सितंबर को मनाया जाए या फिर 7 सितंबर को? तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरु जी ने इस बारे में अपने भक्तों को क्या बताया है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर दोपहर 3:27 से शुरू होगी और 7 सितंबर दोपहर 4:14 पर खत्म हो जाएगी। वहीं इस दिन रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर सुबह 9:20 से शुरू होकर 7 सितंबर सुबह 10:25 तक रहेगा। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार इस मुहूर्त को देखते हुए 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन जन्माष्टमी का योग बन रहा है। लेकिन आपको बता दें कि श्री कृष्ण का जन्म निशिता काल में हुआ था, लेकिन इसी के साथ श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र का भी योग था। तो जो लोग निशिता काल और रोहिणी नक्षत्र को ज्यादा महत्व देते हैं, वह लोग 6 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। वहीं जो लोग अष्टमी तिथि को ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो तिथि सूर्य के उदय होने के साथ रहती है, वह तिथि पूरे दिन की मानी जाती है। तो यह आपकी मर्जी है कि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि के अनुसार मनाना चाहते हैं या फिर नक्षत्र और काल के अनुसार। दोस्तों, इसी के साथ जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की आराधना के गुरुजी ने कई उपाय भी अपने भक्तों को बताए हैं, जिन्हें करने से उनके सभी भक्त श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी का कहना है कि आप जिस भी दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, उस दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। इसी के साथ आप बाजार से एक दिन पहले खीरा लाकर जरूर रखें। इस खीरे में आप श्री कृष्ण जी के स्वरूप को रख दें, लेकिन ध्यान रखें कि आपको यह खीरा कहीं से भी चाकू से नहीं काटना है, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि खीरा इस समय साक्षात माता देवकी का गर्भ माना जाता है। तो किसी भी प्रकार की नुकीली चीज का प्रहार करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप क्या करें कि एक बड़ा और मोटा खीरा लेकर आएं और आप चाहें तो लड्डू गोपाल का पैर उस खीरे में घुसा दें और लाल रंग का या फिर पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे खीरे और लड्डू गोपाल पर ढक दें और उन्हें मंदिर में ही रख दें। इसके बाद गुरुजी का कहना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इसीलिए अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही अपने व्रत का पारण करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना इस दिन पूरी हो सकती है और श्री कृष्ण भगवान आप पर अपनी विशेष कृपा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि आप दिन में श्री कृष्ण के भोग के लिए अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाएं, पाक और पकवान बनाएं
और साथ में श्री कृष्ण का हिंडोला जरूर सजाएं। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल का स्वरूप श्री कृष्ण का बाल स्वरूप होता है और लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण साक्षात अपने भक्तों के घर में विराजमान रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल स्वरूप श्री कृष्ण विराजमान हैं तो आप अपने बच्चों की तरह ही उनकी सेवा कीजिए, आपको साक्षात चमत्कार देखने को मिलेगा। तो जिस तरह आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, उनके जन्मदिन पर सजावट करते हैं, ठीक उसी तरह आप लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाने के लिए भी तैयारी जरूर करें। लड्डू गोपाल के हिंडोले के पास खिलौने सजाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव निशिता काल में मनाया जाता है और निशिता काल रात्रि के 12 बजे के समय होता है। तो जैसे ही रात्रि के 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र का समय हो, आप श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को खीरे में से निकालिए और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत के लिए आप दूध, दही, शहद, घी और बूरा ले सकते हैं। पंचामृत से स्नान करने के बाद आप उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और नए और सुंदर वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल को सुंदर सा तैयार कर लीजिए और उन्हें हिंडोले में विराजमान कीजिए। लेकिन गुरुजी का कहना है कि आपने जिस पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया है वह पंचामृत अब चरणामृत बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो अपने व्रत का पारण आप इसी चरणामृत से करें और सभी लोगों को भी इस चरणामृत का प्रसाद जरूर दें। बताया जाता है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार है या फिर किसी की मति भ्रम है तो श्री कृष्ण के स्नान किया हुआ चरणामृत इतना चमत्कारी हो जाता है कि व्यक्ति की बीमारी में बहुत जल्द ही फर्क भी नजर आने लगता है। तो गुरुजी का कहना है कि इसके बाद श्री कृष्ण को सुंदर सा सजाकर आप उनकी आरती कीजिए और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और हो सके तो पूरी रात जागरण जरूर करें। इसी के साथ हमारे गुरुजी ने अपने भक्तों को जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर से एक गुप्त चीज लाने का उपाय भी बताया है। तो गुरुजी का कहना है कि जन्माष्टमी वाले दिन हर मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चलती हैं और सभी मंदिरों में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर के पास मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अगले दिन भी आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने खीरे में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को दबाकर रखा है, इस तरह मंदिर में भी श्री कृष्ण का बाल स्वरूप खीरे में दबाकर रखा जाता है। तो आपने जिस खीरे में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को दबाकर रखा है, आप अगले दिन उस खीरे को गाय को खिला दीजिए। लेकिन किसी भी मंदिर में जाकर अगर आपको श्री कृष्ण का गर्भ रूपी खीरा मिल जाता है तो आप उसे उठाकर अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इस खीरे का थोड़ा सा अंश लेकर उसे सुखा लीजिए और उसे अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए। गुरुजी का कहना है कि जिस तरह बच्चों की गर्भ नाल को हम अपनी तिजोरी में संभाल कर रखते हैं, इस तरह इस खीरे का छोटा सा टुकड़ा भी श्री कृष्ण की गर्भ नाल की तरह आपको चमत्कारी परिणाम देगा और कुछ ही दिनों में आपको मालामाल बना देगा। इसी के अलावा गुरुजी ने मंदिर से लाए हुए खीरे का एक और चमत्कारी उपाय अपने भक्तों को बताया है। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप इस खीरे को सुखा लेते हैं और सूखने के बाद इसका पाउडर बनाकर किसी ऐसी स्त्री को देते हैं जिसके बहुत लंबे समय से संतान नहीं हो रही होती है, तो कुछ ही समय तक गुनगुने पानी के साथ इस खीरे का पाउडर सेवन करने से वह स्त्री गर्भ धारण कर सकती है और उसके घर में भी श्री कृष्ण की तरह नन्ना सा बाल गोपाल आ सकता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि आप चाहें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले एक खीरा खरीद कर किसी भी मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रखकर आ सकते हैं और शाम के समय जाकर आप वह खीरा मंदिर से उठाकर ले आइए और अगले दिन सुबह श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इसी खीरे में आप श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को विराजमान कीजिए। अगर आप इस उपाय को भी कर देते हैं तो भी आपके घर में कभी भी धन दौलत और बरकत की कमी नहीं होगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए जन्माष्टमी के कुछ विशेष उपाय। तो उम्मीद करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।